हाँ जी सर, नायब सैनी कह रहे हैं भी दरवाजे 24 घंटे खोल दिए हैं। चलो अच्छी बात है, हमने तो 4.5 साल में वहाँ पर आदमी तो बहुत दूर की बात है, कोई पक्षी उड़ता भी नहीं देखा। आज ये तो समझ आई कि जनमत के अंदर जनता की सुनवाई बहुत ज़रूरी है, और अगर आज दरवाजे खुले तो जनता के काम भी करने, कई दरवाजे खोल कर काम ना करें तो जनता आगामी विधानसभा में इससे बुरा हशर भी दिखाने का काम करेगी। हमने तो 10 जिलों के अंदर साथियों से चर्चा करी है, और 100 दिन के रोड मैप के साथ डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी के आदेश अनुसार प्रदेश के प्रत्येक घर तक पार्टी को पहुंचाने का, और कैसे नए साथियों को जोड़ा जाए संगठन में, उस कार्य को लेकर एक एक कार्यकर्ता मैदान में उतरेगा और मजबूती के साथ आगामी लड़ाई लड़ेगा। इस यूटर्न सरकार की पोल खोलने का भी काम करेगा। जिस प्रकार से आज चाहे प्रॉपर्टी आईडी पे यूटर्न लेने की बात हो, परिवार पहचान पत्र पे यूटर्न लेने की बात हो, सरपंचों की लिमिट में यूटर्न लेने की बात हो, साफ दिखता है कि जो कार्य खट्टर जी ने करे थे, सैनी जी उन सब पे यूटर्न लेना शुरू कर चुके हैं। और मेरे पास तो आज आयुर्वेदिक डॉक्टर आए थे, जिस तरह का प्रतिबंध रोजगार में उन पर लगाया है, ये साफ दिखता है कि हरियाणा के लोगों को रोजगार से वंचित करने के लिए हरियाणा सरकार कदम उठा रही है। और जल्द इसके लिए भी और अन्य जो विषय लॉ एंड ऑर्डर के हैं, हम माँ महिम को मिलकर जैसे ही 22 जिले कवर होंगे ज्ञापन भी सौंपेंगे कि प्रदेश के लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को तुरंत कंट्रोल में लिया जाए, क्योंकि गृह मंत्री के तौर पर नायब सैनी पूरी तौर पर विफल रहे, और एक नहीं अनेक इंसिडेंट ऐसे हो चुके जहां अलग अलग जगह फिरौती तो बहुत छोटी चीज है, सरेआम गोलियां भी चलाई गई हैं, लोगों की जाने भी गई हैं, मगर गृह मंत्री के तौर पर नायब सैनी जी को ये समय भी नहीं मिला कि वो इन चीज़ों पर अधिकारियों की बैठक भी लें। जो प्रॉपर्टी आईडी का है, फैमिली आईडी का जो इशू है, जब आप उनके साथ सहयोगी थे तो क्या कभी तो कोई चर्चा हुई थी? उठाते रहे हैं, निरंतर कई चीज़ों में बदलाव भी लाए, जैसे एक रिस्ट्रिक्शन लगाई थी कि बिजली का बिल 6,000 हो गया, उसको चेंज कराया, मगर जो रीवेरिफिकेशन की बात करी जाती, आज सबसे बड़ा लैप्स तो रीवेरिफिकेशन, और रीवेरिफिकेशन के अंदर पिछले 4 महीनों में जो एडीसी का दफ्तर है, क्रिड का दफ्तर है, वो एक तरह से अड्डा बन चुका करप्शन का, जो 2,000, 4,000, 10,000 रुपये दे देता है उसकी तुरंत रीवेरिफिकेशन हो जाती है। और ये डाटा तो सैनी साहब क्रिड के रिकॉर्ड में निकाल के देख ले कि जिन लोगों ने 2-2 महीने 3-3 महीने पहले एप्लीकेशन डाली थी उनके डिस्पोजल आज तक नहीं है, और कई ऐसे केसेज हैं जिनमें 48 घंटे में भी पैसे लेकर डिस्पोजल करे गए। परिवार पहचान पत्र तो एक करप्शन का बहुत बड़ा अड्डा बन चुका है, और जल्द तथ्यों के साथ इसकी भी हम पोल खोलेंगे। भूपेंद्र सिंह हुड्डा कह रहे हैं बीजेपी जा रही है, कांग्रेस आ रही है, पहले वो अपनी तो गारंटी ले ले कि वो रहेंगे नहीं रहेंगे। हाँ तो वो 60 की बात करते, 60 सीटें जिताने के लिए क्या वो 60 कैंडिडेट कांग्रेस से हटकर कांग्रेस के सिंबल पर उतार पाएंगे? और अभी तो राज्यसभा का चुनाव है, आप लोगों ने मेरे आगे माइक लगाया था लोकसभा चुनाव में और पूछा था कि क्या सरकार अल्पमत में, मैंने कहा था है, पत्र भी भेजा माँ महिम को, और उसके बाद जब पत्र चला गया और पत्र चले जाने के बाद कांग्रेस के विधायक भी भाग कर गए, दो गवर्नर को पत्र देकर आए, भूपेंद्र हुड्डा भी निरंतर बोलते रहे कि सरकार अल्पमत में है, सरकार अल्पमत में, जब हमने कहा विपक्ष साझा उम्मीदवार उतारे तो सबसे पहले पीछे हटने वाला कोई व्यक्ति था तो भूपेंद्र हुड्डा थे, और उनने भरे प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा हमारे पास तो नंबर ही नहीं है, फिर अल्पमत की बात कैसे करी? अगर आंकड़े नहीं हैं, विपक्ष को एक करने का दम नहीं रखते तो 60 लाने का दम कहां से रखते हैं? उन्होंने आपके पाले में गेंद डाल दी, उन्होंने कहा कि अगर, मैं तो आज कहता हूं
एक साझा उम्मीदवार वो चुन ले, कोई शहीद के परिवार से चुन ले, कोई खिलाड़ी चुन ले, कोई ऐसा सामाजिक व्यक्ति चुन ले। और दे दूं सुझाव फ्री का, महावीर गुड्डू को ले लो। हरियाणा संस्कृति के अंदर पद्मश्री जीतने वाला तो इकलौता व्यक्ति है, मैं तो कहता हूँ उनको चुन ले। नवीन जैन कह रहा है पहला हस्ताक्षर मैं करूँगा, दूसरा भूपेंद्र हुड्डा करने को तैयार है क्या? हमारे पास तो बनुमति का कुनबा था, 10 की बात करते हैं, मैं तो कह ही नहीं रहा। हमारे साथ 10 सिग्नेटरी है, सरकार गिरनी होगी, विप है। राज्यसभा के लिए पहला साइन मैं करूँगा, दूसरा भूपेंद्र हुड्डा करने को तैयार है। अगर वो तैयार हैं और वो सार्वजनिक तौर पर कहते हैं कि दूसरा हस्ताक्षर वो करेंगे, नई प्रपोजर चाहिए। आज तो 44 की लड़ाई नहीं है, पहले उम्मीदवार तो हम उतारे। अगर वो तैयार है और अगर उनको नाम पे सहमति है, किसी पे भी, किसी शहीद के परिवार पर, कोई ऐसा व्यक्ति जिसने खेल के मैदान में बहुत अच्छा काम किया, सोसाइटी में बहुत अच्छा काम किया है, कला के क्षेत्र में जैसे महावीर गुड्डू है जिसने हरियाणा की संस्कृति को इतना बढ़ाया है, किसी एक व्यक्ति के नाम पे अगर उनकी सहमति है तो नाम के पेपर पे साइन करके दे दे। 9 साथियों के वोट और साइन अगर भूपेंद्र हुड्डा कर देते मैं जुटाऊंगा। अरे नॉमिनेशन भरकर मैदान में उतर कर लड़ाई लड़ेंगे तभी तो बीजेपी को झटका दे पाएंगे, मैदान छोड़ देंगे तो कौन झटका दे पाएगा। ये तो कमजोरी दिखती है नेता प्रतिपक्ष की कि कहीं ना कहीं ईडी सीबीआई से डर कर वो मैदान में उतरना ही नहीं चाहते। हमने हिम्मत दिखाई थी, निर्दलीय कार्तिकेय शर्मा को मैदान में उतारा था, हमने अपने 10 इकट्ठे करे थे, नहीं करे थे उस समय भी, और इकट्ठे कर कर वोट गिरवाए थे। अरे लड़ाई शुरू तो होने दो, लड़ाई शुरू होने से पहले जंग के मैदान में हथियार गेर देंगे फिर लड़ाई कैसी लड़ेंगे। तो ये कमजोरी दिखती है भूपेंद्र हुड्डा की, और इस कमजोरी ने कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को एक एज इस राज्यसभा चुनाव में शुरुआती तौर पर दी है। मगर हम हार नहीं मानेंगे, जब तक आखिरी दिन नॉमिनेशन का होगा जननायक जनता पार्टी ये परिस्थिति बनाएगी कि हम चाहे विपक्ष में और जो छोटे दल हैं उनसे भी संपर्क करें, निर्दलियों से भी संपर्क करें, और एक साझा उम्मीदवार उतारने का प्रयास करेंगे। अगर 9 प्रपोजर हमें मिलते तो हमारा कैंडिडेट मैदान में होगा। आप भूपेंद्र हुड्डा से पूछ लेना क्या उस समय भी वो आंकड़े मांगेंगे या वोट गेरने के लिए आएंगे। यार जिस तरह आर के आनंद के चुनाव में शाही बदली थी, शाही बदल कर फिर बीजेपी को जिताने का काम। जेजेपी चुनाव अकेले लड़ेगी या कोई अलायंस की संभावना है? आज के दिन तो 22 जिलों का दौरा होगा और दौरा होकर प्रत्येक गांव को छुएंगे हमारे कार्यकर्ता, 90 की तैयारी करेंगे। आगे भविष्य में क्या होता है उसको तो ना आप जानते ना मैं जानता, अगर हाँ मजबूती से लड़ाई भी लड़ेंगे और अपनी तैयारी। बाकी विधायकों को लेके भी आपने सवाल उठाया था कि उनका देखिए, हमने कल भी स्पीकर से मुलाकात करी है और ये मांग करी है कि हम जो हमने एप्लीकेशन दी उस एप्लीकेशन के ऊपर वो क्यों नहीं कार्रवाई कर रहे, और अगर वो नहीं करते तो फिर हम हाईकोर्ट का दरवाजा लीगल राय लेकर अपनाएंगे। कब तक और डायरेक्शन देंगे? अभी तो कल मुलाकात करके आए हैं, समय मैं तो कह रहा हूँ कि गृह मंत्री का फेलियर है जो आज मुख्यमंत्री है। खुली छूट जब दे दोगे गुंडा तत्व को तो माहौल प्रदेश का ऐसा ही बनेगा। इनेलो तीसरा, आज सख्ती ना करना कहीं ना कहीं रास्ता देना है, और ऐसा क्या हो गया कि जैसे ही अमराज से बाहर गए इस तरह की व्यवस्था बनी, ऐसा क्या हो गया कि सैनी साहब के आते ही प्रदेश के अंदर इस तरह का आपराधिक प्रचलन बढ़ा है, और इसके अंदर मुझे लगता है कहीं ना कहीं पुलिस का सबसे बड़ा फेलियर है कि वो लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल नहीं। पहले तो सरपंचों को पीटा जाता है, अब उनका ग्रांट बढ़ाया जा रहा है, इसमें क्या? जा सैनी से जवाब ले ले भाई, यू टर्न क्यों लिया, बदनामी मारी कर दी। हरियाणा में एक तीसरे मोर्चे की भी चर्चा होने लगी है, अभी इंडियन नेशनल लोकदल बीएसपी मायावती जी से मिले हैं अभी चौटाला जी, तो चलो अभी तो पता नहीं कितने दल बनेंगे कितने जाएंगे। वो तो हमारे साथ भी आए थे चुनाव से पहले, छोड़ के उससे पहले उनके साथ थे छोड़ के। कौन सा टिकता है, कौन सा रुकता है, कौन सा लड़ता है, ये दर्शाएगा कि हरियाणा की आगामी चुनावी पृष्ठभूमि क्या। आईएनएलडी का भविष्य कैसे देखते हैं सर? आप कैसा देखते हो वैसे मैं देखता हूं।